जी हाँ गाइस, आधार कार्ड, आधार कार्ड घर बैठे बनवाएं, 0 से 5 साल के बच्चों का आधार कार्ड बनवाएं और अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन अपडेट क्या क्या होगा वो आप लोगों को हम बता देते हैं। जैसे कि आधार कार्ड में आप करेक्शन अगर कराना चाहते हैं तो नाम, सुरनेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये आप आसानी से हमारे यहाँ से आप अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन कैसे कीजिएगा वो भी आप लोगों को हम बता देते हैं। यहाँ पे आएंगे, देखिए ये आधार कार्ड, सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं ये बच्चे का आधार कार्ड होता है जिसमें कि आप लोगों का यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है। आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस मोबाइल नंबर को ऊपर आपको क्लिक करना है, देन व्हाट्सएप में चले जाना है और बच्चा का फोटो चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका ये डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो है, उसका उसका फुल एड्रेस चाहिए, पापा का आधार कार्ड चाहिए यानी कि पापा का आधार नंबर दे दीजिएगा हो जाएगा, और पापा का उसका नाम चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए, इतना चीज आप भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पे, तो आपको वो एक आईडी मिलता है जो ट्रैकिंग आईडी होता है, वो आप लोगों को आगे दिखाएंगे कैसे आप लोगों को मिलेगा, उस आईडी से आप ट्रैक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्रोसेस में है या फिर क्या है वो आप लोगों को बता देते हैं। और जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं आधार कार्ड, लेकिन आगे आप लोगों को हम प्रोसेस बताएंगे। और जो अपडेट कराने का सिस्टम है, करेक्शन कराने का सिस्टम, वो आप लोगों को हम व्हाट्सएप पे बता देंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, वहां से आप कॉल करके या फिर कॉन्टेक्ट करके हमको पूछ सकते हैं, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, 24 घंटा तक आप लोगों के लिए हम अवेलेबल रहते हैं। और बता देते हैं इसमें थोड़ा सा कॉस्ट लगता है, वो कॉस्ट आपको पे करना होगा और 24 से 48 घंटे में आपको वो आईडी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आधार कार्ड लिख के सर्च करना है, देन यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है आप लोगों को, और यहाँ पे क्या लिखा है, चेक आधार अपडेट स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे एक नंबर आता है, वो नंबर यहाँ पे आपको दे देंगे हम, वो नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, नीचे में कैप्चा डाल देना है। जैसे अब यहाँ पे कैप्चा आपको फिल कर लीजिएगा, और फिल करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पे सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए हम डाल लिए, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, देखिए नीचे में आ गया कि यहाँ पे जो भी बच्चा का हम आधार कार्ड बनवाने के लिए दिए थे वो यहाँ पे अंडर प्रोसेस में है, वो जब 3 दिन में आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे में देखिए कंप्लीट जब हो जाएगा तब आप जाके यही नंबर डाल के आप वहाँ पे उसका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को फिल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। तो आप लोगों को हम बता दिए कि फिर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ से जाइए और व्हाट्सएप पर हाई हेलो कीजिए और आप अपना दुकान को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा और कमाने का मौका पाइए। तो चलिए।